ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है ये थाई फ्राइड चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। इस पे एक जो क्रिस्प है वो आप देख सकते हैं, छू के ही पता चल रहा है कि इट्स क्रिस्पी, लेकिन जब आप इसको अंदर से खाएंगे तो बहुत जूसी होता है। इसके साथ आप शेजवान सॉस, धनिया पत्ते की चटनी या फिर मेयोनीज के साथ भी। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, आपके सबका स्वागत है किरण होम किचन में। आज हम बनाने वाले हैं हाइन फ्राइड चिकन। आपने KFC का फ्राइड चिकन खाया होगा, KFC का चिकन खाया होगा फ्राइड। ये थोड़ी एक थाई डिश है जो मैं एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम। लिया सबसे पहले ये अराउंड हाफ केजी से 700 ग्राम्स तक चिकन है, जो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। चिकन को हमने कुछ मीडियम साइज के पीसेस में है, और मोस्टली जो पीसेस लिया मैंने सब लेग साइड से और बॉटम साइज से पीसेस हैं, क्योंकि ब्रेस्ट साइज को फ्राई करने में टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चिकन को यहाँ पे धो के रेडी कर लिया है। अब हम इसके लिए, क्योंकि ये थाई फूड है, तो हम सबसे पहले ये जो स्टेम्स होते हैं धनिया के, इसको और इसके साथ में ये लहसुन को चॉप थोड़ा सा क्रश कर देंगे। स्टेम और साथ में कुछ लहसुन की कलियां हैं 10 से 12। इसके साथ इसमें हम जो टेस्ट के लिए डालेंगे वो पहली चीज है नमक, क्योंकि यही इसका मैरिनेट होने वाला है। तो नमक यहाँ पर ले लें स्वाद के हिसाब से, थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा, बिकॉज आप सॉस वगैरह यूज करते हैं, ज्यादा मत लीजिएगा नमक। और थोड़ी सी चीनी, ताकि वो एक यू नो एक बैलेंस बना रहे हल्का स्वाद का, तो ज्यादा नहीं, हल्की सी चीनी लेनी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से क्रश करना है और इस पर से पानी मिला देना है, मैं करके आपसे मिलता हूँ। हमने इसको अच्छे से इसमें चूर लिया है और अब इसमें इसको मिक्स कर देंगे जब पेस्ट है, ठीक है। अब इसको इसमें मिक्स करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको साथ में चिकन के साथ, क्योंकि यही इसका बैटर है, आई मीन यही इसका मैरिनेट है। और मिक्स करने के बाद अराउंड 1 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के मैरिनेट करके छोड़ दें, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें अराउंड 1/2 कप, ताकि जो बैटर है वो अच्छे से इसमें जो भी हमारा जो मिक्सचर बनाया अच्छे से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। मैंने अपना चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लिया है इसमें, इसको मैंने 2 घंटे बोला था, बट इसको मैंने ऑलमोस्ट 4 घंटे मैरिनेट कर लिया है। आप जितना मैरिनेट करेंगे ये उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब इसको करना क्या है कि इसमें हमको मिलाना है चावल का आटा, ठीक है। बैटर इसका अलग से नहीं बनता है, आप चावल के आटे को इसी में मिलाएं, और बहुत थिक बैटर नहीं बनेगा, इसका बैटर बहुत पतला सा बनता है। मैं इसको इसमें मिला लेता हूं अच्छे से। फ्रेंड्स इसको मैंने चावल के आटे से बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। आप इसमें चाहे तो नॉर्मल फ्लोर भी डाल सकते हैं, मतलब मैदा वगैरह, बट चावल से कैसा होता है कि ग्लूटेन फ्री भी हो जाता है और बहुत हैवी क्रस्ट भी नहीं होता, चावल का क्रस्ट बहुत पतला सा होता है, दैट्स वाई हम लोग चावल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ऑयल है हमारा ये अराउंड 300 डिग्री पे गर्म कर लिया है हमने, ठीक है। अब इसमें हम चिकन को धीरे धीरे ड्रिप करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर को इसी स्टेज पे मैनेज करेंगे, ठीक है। ये देखिए इसको चिकन को हम इसमें धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, ये देखिए इसको ऐड किया है, ये हो गया जैसे, ये हो गया मेरा जैसे, चिकन को ऐड कर दिया। अब टेम्परेचर को थोड़ा इसी स्टेज पे हम मैनेज करेंगे, क्योंकि कैसा होता है कि चिकन डालने के बाद आपके ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो थोड़ी देर हमको इसको ऐसे ही पकाना होगा, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे जो चिकन है बहुत अच्छे से पतली कोटिंग के साथ फ्राई होना शुरू हो गया। अब इसको धीरे से चला देंगे, और हमने टेम्परेचर तेज रखा था, अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमको चिकन को पूरा पकाना है, तो हम टेम्परेचर कर देंगे अब कम, ठीक है। और इसको इसी स्टेज पर 10-12 मिनट पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो चिकन है अभी पकने लगा है, और ये देखिए चावल के आटे की वजह से कितना अच्छा कलर इस पर आया है चढ़ के, और कोटिंग इसकी पतली सी है, अंदर से चिकन बहुत जूसी रहता है,
अभी ऑलमोस्ट हो रहा है, इसको हम हल्के आंच पे बना रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन जो है क्रिस्पी क्रिस्पी रेड रेड, बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी। फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट लॉट है, सबसे स्पेशल पीस आप सबका और मेरा ही फेवरेट लेग पीस, ये डाल रहे हैं और एक ये थाई का पीस। अब बस ये होना है और मैं आपको सर्व करके मिलता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है ये थाई फ्राइड चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। इस पे एक जो क्रिस्प है वो आप देख सकते हैं, छूके ही पता चल रहा है कि इट्स क्रिस्पी, लेकिन जब आप इसको अंदर से खाएंगे तो बहुत जूसी होता है। इसके साथ आप शेजवान सॉस, धनिया पत्ते की चटनी या फिर मेयोनीज के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से नए नए डिशेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें, और कोई अगर डिश आपके मन में हो तो वो कमेंट करें। अपना वैल्यूबल फीडबैक हमें जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग किरण्स होम किचन।